एनेक्सी भवन सभागार में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री समूह की महिलाएं व आशा बहनों को सम्मानित किया गया। वही लाभार्थी महिलाओं में पुष्टाहार का वितरण भी किया गया। इस दौरान राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी, जिला प्रोबेशन अधिकारी सर्वजीत सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इसी क्रम में मैं चाहूंगी समाज कल्याण विभाग से सावित्री सिंह मैडम तालियां बजाते हैं। ये आप सभी का भी प्रतिभा है, आप सभी की प्रतिभा महिला आप सभी को इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने बताया, शक्ति के तहत आप जान रहे हैं लगातार कार्यक्रम किया जा रहा है और लोगों को जानकारी दिया जा रहा है कि मिशन शक्ति के द्वारा किस तरीके से बहनों महिलाओं को सुरक्षा सम्मान और उनको स्वावलंबित बनाया जा रहा है। इसी के तहत आज हम लोग ने यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा है। 4 साल पूरे होने पर सरकार के 4 साल पूरे होने पर उनकी सभी जो गतिविधियाँ रही हैं, जो उपलब्धियाँ रही हैं, जो चुनौतियाँ रही हैं, उन सबको उन्होंने कैसे फेस किया और किस तरह से उसको पूर्ण किया है। इसी के तहत हम लोगों ने आंगनबाड़ी और हमारी आशा बहनें और हमारे समूह की बहनें हैं उन लोगों को आमंत्रित किया गया ग्रामीण क्षेत्र से और जिन्हें सम्मानित किया गया है। 5-5 हर डिपार्टमेंट के लोगों को सम्मानित किया गया है। वृद्धा पेंशन में विधवा पेंशन है, उसके बाद गोल्डन कार्ड में पुरुषों को गोल्डन कार्ड दिया गया है, पुष्टाहार का दिया गया है बच्चों को और इसके साथ साथ जो उनको का गोल्डन सीसी कार्ड भी दिया गया है और समूह की बहनों को सम्मानित किया गया जो अध्यक्ष हैं और जो विभिन्न तरह के घरेलू उत्पादन कर करके अपनी रोजी रोटी कमा रही हैं। इसी तरीके से हम लोग ने कोशिश ये की है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बहनें लाभान्वित हो सकें। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।